बहुत मुश्किल है ट्रस्ट मी, क्योंकि नायका पे मैंने वियर्ड मेकअप टाइप किया तो ऐसा डायरेक्टली नहीं आता है। हर एक कैटेगरी में स्क्रॉल करते गए तब जाके 8-10 चीजें जमा हुई है। एंड हम स्टार्ट करेंगे मेरी फ्रेंड का रिकमेंडेशन, कोका कोला लिप बाम। मुझे पूरा सेट लेना था पर वो 1000 रुपए का था तो मैंने सिर्फ एक लिया। एंड देखते हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मुझे लगता है ये लोग अपने टेस्ट पे ज्यादा फोकस किया होगा। मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं। आई वंडर कि ये लिप बाम का कलर पर्पल होगा कि नहीं, लाइक द एक्चुअल कोक। ओ इट्स ब्राउन, इट्स एक्चुअली ब्राउन, व्हाट? ऐसा लग रहा है कोक को फ्रीजर में डाल के कर दिया होगा, चिया बटर या कुछ के साथ मिक्स। Smells like coke, but doesn't smell like actual coke. Coke, it smells like Coca Cola वाला वो candy आता ना, वो chewing gum भी नहीं, वो jelly types वैसा वाला smell है। It tastes nice, but I don't know मेरा वाला piece खराब है या ये ऐसा ही है, but ये बहुत कड़क है, it's not very smooth. Final word है थोड़ी देर बाद दूंगी to see how long this keeps the lips moisturized. Okay, so what can we do next? Second thing I have is a paint pot by Lotus, and eyeshadow का purpose लग तो रहा है लेकिन इतना bright eyeshadow कौन और कब करता है? And how am I supposed to go out with such bright eyeshadow? ये एकदम acrylic paint जैसा ही लग रहा है। How am I supposed to use this on my eyes? इसलिए आई फाउंड इट वेरी वियर्ड, तो लेट्स ट्राई इट। वन थिंग इज डेफिनेटली ट्रू कि इसका पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज नेवर हैव आई एवर स्वाइप्ड एन आई शेडो इन वन गो एंड गॉटन दिस मच पिगमेंटेशन। हाँ, अगर कम लगा है ना तो ये थोड़ा कम कम आ तो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग दैट वी कैन हैंडल हाउ हार्श इट इज। बस आई वांट टू सी कि ये ब्लेंड कैसे होगा। यार ये ब्रश से इतना ब्लेंड नहीं हो रहा है, इसका टेक्सचर भी अजीब ही है। दिस इज नॉट गेटिंग ब्लेंडेड विद अ ब्रश। इमेजिन दिस एज एन आईलाइनर, लाइक मेरे पास आईलाइनर ब्रश भी है, मैं इसको निकाल के आईलाइनर के जैसे यूज करने का ट्राई करता हूँ। आई शैडो की जगह मैं तो नहीं यूज कर पा रही, बिकॉज इट इज जस्ट नॉट गेटिंग ब्लेंडेड। तो इफ एनी ऑफ यू नो हाउ टू यूज इट, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। Now that's pigmented. That's really pigmented, and the pura pot was for 350 rupees. And agar sirf eyeliner ke tarike hi use karna ho, this will last for so damn long. So 350 rupees ke liye as an eyeliner, worth it. Totally worth it. Main ye aapko brand ki rakh rahi hu because we have more eyeliners to test. And the next one is a 4-in-1 pen eyeliner. मुझे याद है बचपन में ऐसा पेन आता था, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक वाला, ये मैकेनिज्म में, एंड अब आई लाइनर्स आ रहे हैं। सो इसमें है पर्पल और फिर ग्रीन, फिर ग्रे, एंड इसका ब्लू बिगड़ा हुआ है या ग्रे बिगड़ा हुआ था, आई कांट रिमेम्बर, आई थिंक हाँ ब्लू बिगड़ा हुआ है। एक बार बाहर आ जाता फिर अंदर नहीं जाता। यहाँ पे तो आ गया, आज भी क्यों नहीं आया? पर्पल वाला मैट था, ग्रीन में ग्लिटर है। इसका पैकेजिंग एक्चुअली बहुत ही हल्का प्लास्टिक है यार, चीप प्लास्टिक लग रहा है। नॉट इजी टू अप्लाई क्योंकि इसका जो आगे का निब है ना वो चपटा है, तो पॉइंट नहीं है, तो इसलिए बहुत जाड़ा और अजीब तरीके से लग रहा है। 700 रुपीज फिर भी आई डोंट थिंक इतना वर्थ इट है इसके लिए, तो दिस वन इज अ फेल, आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट मेरे पास एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो है एक वाइन लिप टिंट। Now, I think mostly इसमें actual wine नहीं है, because I don't think alcohol use कर सकता makeup में, तो let's see कि क्या play है इस पे। ये lip tint है या lipstick? ये तो वो matte lipstick जैसा लग रहा है देखने में। इतना बड़ा नहीं है, बड़ी lip tint नहीं है, ये मतलब false advertising है, ये lipstick जैसा इसका texture है। यूजली लिप टिंट ब्लश के तौर पे भी यूज कर सकते हैं मोस्ट लिप टिंट्स, तो मैं इसको ट्राई करूंगी। इट्स अ बेटर ब्लश बट एक मैट स्वेड टाइप लिपस्टिक है, लिप टिंट नहीं है। प्रोडक्ट को थम्स अप मिलेगा, इट्स ओके, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, पर अगर आप लिप टिंट ढूंढ रहे हो देन दिस इज नॉट द वन फॉर यू। ओके, नेक्स्ट सेट है
एक आई लाइनर स्टेंसिल का और दो फन आई लाइनर्स का। उसके लिए हमें ये आईज वापस पोंछने पड़ेंगे। फर्स्ट मैं ट्राई करूंगी ये पर्पल शिमरी आई लाइनर। लेट्स सी ये वाला अच्छा है कि नहीं, क्योंकि इसमें उनके पास बहुत सारे कलर्स थे। बहुत ज्यादा पतला है, चिपक नहीं रहा बराबर से। बहुत पतला यार, एकदम पानी जैसा, गीला गीला ही फील हो रहा है, सूखी नहीं रहा। आई लैशेस तक उतर आया है, इतना गीला है। नहीं, आई डिड नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट, अनदर फील। आई रियली वॉन्टेड दिस टू वर्क यार। बट सेम कंपनी से एक मैट आई लाइनर भी है ग्रीन कलर में। मैं एक्चुअली एक ग्रीन आई लाइनर ट्राई कर चुकी हूँ पहले, तो इट्स बी इंटरेस्टिंग टू हैव अ पैटर्न। एक्चुअली ना मैंने ऐसा टूल पहले यूज किया था, आई थिंक मैंने क्लब फैक्ट्री के वीडियो में यूज किया था, एंड वो आई लैशेस के लिए एडवर्टाइज किया था वो लोगों ने कि इसको आई लैशेस के नीचे रख के मस्कारा लगाओ तो आपका मस्कारा ट्रांसफर नहीं होगा। बट इसका तो पर्पस ही अलग बता रहा है, तो आई एम कंफ्यूज। बड़ा सरप्राइज होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये अजीब सा प्रोडक्ट वर्क्स, क्योंकि इतने जल्दी मैंने आईलाइनर मेरे लाइफ में नहीं लगाया। ये बैंक के लिए कुछ हेल्प नहीं करने वाला। कमेंट टू द आईलाइनर, ग्रीन वाला बहुत प्रेटी है, इतना पतला नहीं है, एंड इसका पिगमेंटेशन अच्छा है, मतलब डिफरेंस ही देख लो, ये दिख रहा है कि लगाया है एंड ये नहीं दिख रहा कि लगाया है। तो आई डेफिनेटली लाइक दिस वन फाइनली, एंड आई लाइनर थम्स अप। बाकी सारे आई लाइनर फेल थे ये वीडियो में। फॉर सेकंड लास्ट प्रोडक्ट इज अ ब्लू मस्कारा। मैंने कभी ऐसा मस्कारा ट्राई नहीं किया, एंड इट विल बी फन। दिस मस्कारा एक्चुअली वर्क्स। मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरे आई लैशेस को ब्लू बना देगा, बट ये अपलिफ्ट भी कर रहा है एंड इनको लेंथन भी कर रहा है। दिस इज crazy, up for it. I am loving the look. मतलब मैं eyeliner skip कर सकती हूँ अगर मैं mascara लगा रही हूँ। I am so happy with it. Right now I know I look weird, but I like the mascara. And हमारा last product जिसके लिए मैं कब से wait कर रही हूँ, ये Blue Heaven का crazy lipstick. तो ये lipstick का concept ही है कि हमें इसको लिपस्टिक को किस करना पड़ेगा टू हैव इट ऑन आवर लिप्स। एंड बिफोर वी अप्लाई द लिपस्टिक, कोका कोला के लिप बाम के बारे में बता देती हूँ। इट्स एक्चुअली नाइस, मतलब जो लिप टिंट है ना वो ड्राइंग लग रहा है मेरे को थोड़ा, लेकिन वो लिप बाम के वजह से वो बच रहे हैं मेरे लिप्स, एंड अभी तक मॉइस्चराइज फील हो रहा है। वरना द सेकेंड मैं लिपस्टिक लगाती हूँ मेरे लिप्स ऑलरेडी ड्राई होने लग जाते हैं। तो लिप बाम वर्क कर रहा है, एंड आई थिंक वो 200 रुपए का था, तो 200 रुपीज में नाइस फ्लेवर, फंकी कॉन्सेप्ट एंड अ गुड लिप बाम, वर्थ इट। सो कोका कोला का लिप बाम कैसे था सर? कलर आ रहा है बट पिगमेंटेशन उतना नहीं है जितना नॉर्मल लिपस्टिक का होता है। ये बहुत ही कड़क है, नॉर्मल लिपस्टिक इससे ज्यादा सॉफ्ट होती है। ऑरेंज कलर आ गया, बट ऊपर का पार्ट रह गया है एंड नीचे के साइड रह गए हैं। कलर करके देखते हैं, ऐसा अलग से लगाया तो सही से लग रहा है, बट अगर सिर्फ वो लोग ने जो कॉन्सेप्ट बताया है ऐसे करके लगाना, वो लिप ग्लॉस जैसा लुक देता है, एंड अगर प्रॉपर पिगमेंटेशन चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा। स्वॉच करके देखते एक बार, ये हाथ पे अभी नॉट बैड, एंड सीधा करे तो सी दैट्स डार्कर। तो ये डिफरेंस है। आई थिंक 100 या 125 रुपीज में कुछ ऐसा ट्राई करना, इट्स फन। खुद के लिए कुछ टॉय खरीदने जैसा फीलिंग है, या अगर किसी को कुछ जोक जैसा बर्थडे गिफ्ट देना हो तो आप ये दे सकते हो। बट इट्स नॉट अ बैड लिपस्टिक, और ये ट्रांसफर हो रहा है। बट इफ इट वर्क्स ऑर नॉट, या इट डज वर्क, एंड इसको यूज कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं जाएगा, एंड काफी सारा प्रोडक्ट है। तो आई गिव अ थम्स अप फॉर द प्राइस दैट इट इज एट। तो ये था मेरा टेस्टिंग वियर्ड आइटम्स फ्रॉम नायका। प्लीज हेल्प मी और मेकअप प्रोडक्ट्स ढूंढने में जो ऐसे अजीब हो। आपको अगर कुछ भी दिखे तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक तुरंत भेज देना, या मुझे ईमेल कर दो लिंक, ताकि हम ये सीरीज कंटिन्यू कर सके। अगर आपको ये वाला एपिसोड देखने में मजा आया तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।
Yeah.